मैं वृंदावती पांडे, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र क्रमांक 12। इस बार क्या लगता है आपको, किसकी सरकार बनती दिखाई दे रही है? अभी तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी, अभी नरेंद्र मोदी जी की लहर है और ये अनेक सारी योजना निकाली गई है, नरेंद्र मोदी महतारी वंदन योजना, गर्भावस्था योजना और बहुत सारी योजना है ऐसे, तो अभी तो मोदी की लहर है। जैसा अभी आप प्रचार में जा रहे हैं तो लोगों से भी आप मिल रहे होंगे, तो लोगों का क्या कहना है, इस बार देंगे मोदी जी को वोट? हाँ, सब बोलते हैं मोदी जी को देंगे करके और सब हमारे काम आ रहे हैं ऐसे करके बोलते हैं, और जनधन खाता और उज्ज्वला गैस, शौचालय, ऐसे अनेक सारी योजना के कारण अभी मोदी जी की लहर है। अच्छा, तो विकास लोगों को दिखाई दे रहा है जो उनके कार्यकाल में हुआ है? हाँ जी, बीजेपी ने इस बार जो है 400 सीटों का लक्ष्य रखा है, बीजेपी कह रही है कि इस बार 400 पार, क्या लगता है आपको 400 पार इस बार होगा? हाँ, 400 से अधिक पार होगा, बीजेपी का लक्ष्य है कि 400 पार करके रखा गया है, लेकिन 400 से अधिक पार होगा। अच्छा, बीजेपी ने रूप कुमारी चौधरी जी को अपना प्रत्याशी बनाया है, उनका माहौल किस तरह का है, लोग क्या उन्हें बतौर प्रत्याशी पसंद कर रहे हैं? हाँ, पसंद कर रहे हैं, और वो तो एक्टिव महिला है और सब जगह जाने से रूप कुमारी जी को जानते हैं और सब परिचित हैं। अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश मंत्री, क्या कुछ माहौल दिखाई दे रहा है अभी आप चुनाव प्रचार में जा रही हैं? माहौल बहुत अच्छा दिख रहा है, महतारी बंधन के लिए ज़्यादा महिला लोग मतलब आकर्षित हैं, उसी लिए ज़्यादा करके चुनाव में जीतेंगे हमारे कमल छाप में मोदी। अच्छा, जी तो महिलाओं का समर्थन इस बार बीजेपी को ज़्यादा मिल रहा है? हाँ, ज़्यादा मिल रहा है। मेरा नाम भारत सिंह ठाकुर, कोषाध्यक्ष गढ़पुंधर मंडल। तो इस बार बीजेपी का चुनाव प्रचार प्रसार कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। क्या लगता है आपको, इस बार जनता किन किन मुद्दों पर बीजेपी को वोट करना चाहेगी? वैसे तो 400 के पार टारगेट रखे हैं, 400 आएगा, और सरकार के जो काम काज है वो बहुत बेहतरीन है, जनता में बहुत है, जनता लोग उसके अच्छा चल रहा है, का योजना विस्तार पूर्वक। अच्छा, जैसे बीजेपी ने धारा 370 अभी कश्मीर से हटाया, राम मंदिर बनवाया और भी बहुत सारे हिंदुत्व के मुद्दे हैं, क्या हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी को इस बार वोट मिलेगी? हाँ, मिलेगा। 500 साल तक के संघर्ष किए हैं राम मंदिर के लिए, हमारे पूर्वज कई लोग बलिदान दे दिए, त्याग तपस्या, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो उस पर भी मुहर लगेगा। अच्छा, तो आपको क्षेत्र में क्या कुछ विकास दिखाई देता है मोदी जी के कार्यकाल में? क्षेत्र में बहुत सारा विकास हुआ है हमारे रूप कुमारी दीदी के कार्यकाल में, जिला से विधान सभा तक के सफर में बहुत कामकाज हुआ है, बड़े बड़े रोड, बड़े बड़े पुल पुलिया का निर्माण हुआ है, गांव को जोड़ा गया है, मेन मेन जो जो सड़कें था वो सब मुख्यालय से जुड़ा है, ये सब विकास कार्य बहुत सारा हुआ है। अच्छा, आगे चलकर अगर रूप कुमारी चौधरी जी सांसद बन जाती है तो उनसे आपकी क्या क्या अपेक्षाएं रहेंगी, जो क्षेत्र के लिए वो आगे विकास करेंगी? वो उनको जितना तय है फाइनल है, 400 का लक्ष्य जो रखे हैं वो कंप्लीट होगा, और इनके आ जाने से विकास कार्य और गति बढ़ जाएगा। मैं भाजपा मंडल गढ़फुलझर से जसवीर सिंह जटाल, पूर्व मंडल उपाध्यक्ष, शिशु मंदिर अध्यक्ष 30 वर्षों से। क्या लगता है आपको अभी आप चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान, क्या लगता है बीजेपी की सरकार वापस बनती दिखाई दे रही है? बीजेपी की सरकार बनेगी ही, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। बीजेपी क्या कुछ किया है बीजेपी ने पिछले 5 वर्षों में अपने कार्यकाल में? बीजेपी तो ये रोड, नदी, नाला, तालाब, जो भी ये अपना जो काम करवाया है अपने ये कार्यकाल में, पूरा जनता को आम माने दिख रहा है। और अभी जो मुद्दा किसानों का था, तो हर किसान को अभी ये 5 वर्षों में ये सब एक मुश्त पैसा देना, ये शायद जी के सरकार में, और महतारी बंधन में एक मुश्त पैसा देना, माने ये जो 1000 रुपया मंथली देना, ये बहुत खुशी है अभी महतारी लोग और बीजेपी से बहुत खुशी, मैं जो 30 सालों में कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई है वो आज बीजेपी कर रही है। इसके अलावा भी अगर हम बात करते हैं, जैसे कि बीजेपी ने अयोध्या में राम मंदिर बनवाया, कश्मीर से धारा 370 हटाया, जी इन सब को लेकर लोगों के मन में क्या विचार है? इस सब को लेकर के लोगों के मन में यह विचार है
कि बहुत माने इसमें तो हमारे हिंदू को छोड़िए, हिंदू से एक छोड़ के मुस्लिम समाज भी इतना खुशी है कि 370 धारा को हटाने में कि बहुत वो लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं, उनके लेडीज लोग भी। अच्छा, अभी जैसे कि अभी हमारे छत्तीसगढ़ शासन से एक योजना भी है जी, जिसमें राम मंदिर भेजा जा रहा है यहाँ दर्शन तीर्थ यात्रियों को, क्या उसका फायदा मिलता नजर आ रहा है बीजेपी को? पूरा फायदा नजर आ रहा है, बट माने जितने भी अपने गांव देहात के जो भी हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं जो आज तक ये रामलला मंदिर जो देखने जा रहे हैं कि आज तक कोई सरकार या कोई ये नहीं करवाया था ये मंदिर दर्शन, जो कि आज राम स्वयं रामलला की मंदिर और राम जी का मंदिर को देखने आज जा रहे हैं जितने। धनमाली साहब।